बहुत अच्छे एंड कैसा लगा आपको विकी? एकदम मस्त, बहुत पावरफुल। एक सेकंड, एक सेकंड वेट, चलो रोलिंग है। हां सो सर, कैसी लगी मूवी आपको? एकदम बहुत बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत। एक्ट्रेस का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, राजकुमार राव ने बहुत अच्छा काम किया। रोहिणी की अगर बात करें, स्त्री से बेटर लगी आपको? हां बहुत अच्छा लगा, दोनों कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा है। जानवी कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत मस्त, बहुत अच्छा है। एंट्री किस स्टार देना चाहेंगे? एकदम फाइव स्टार। अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत मुझे अच्छी लगी, अच्छी लगी, एंटरटेनिंग थी। राजकुमार और जानवी का काम कैसा लगा? राजकुमार का काम जैसे हमेशा होता है वैसा ही था, पर सबसे अच्छा मुझे जानवी का भी लगा। जानवी ने ऐसा लगता है कि वो इम्प्रूव हो रही हैं, चाहे एक्सप्रेशन की बात ले लीजिए या फिर डायलॉग्स की बात ले लीजिए, वो हो रही हैं अब इवॉल्व थोड़ी सी। और वरुण शर्मा की मैं तारीफ करना चाहूँगी, वरुण शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया अकॉर्डिंग टू मी। और अच्छा, एंड कहानी ने कितना पकड़ के रखा आपकी? कहानी ठीक ठाक थी, कहानी कुछ कहानी में कुछ एज सच कुछ दम नहीं था, पर हाँ बात की जाए राजकुमार राव, वरुण शर्मा, जानवी, इन तीनों की परफॉर्मेंस अपने अच्छा था। थ्री आउट ऑफ फाइव। देखिए फिल्म बड़ी मनोरंजक है, हंसाती है, गुदगुदाती है, डराती है, सारे सारे उसमें एलिमेंट बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डाले हैं। और जिस तरह से तीनों का परफॉर्मेंस है, वरुण का और राजकुमार का और जानवी का, तीनों का परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे निकल के आए हैं, तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी जो बात है कि जिस पैमाने पे जिस तरह से उन्होंने शूट किया है, इसका एक्सपीरियंस आपको वो टीवी की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं हो सकता। ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसको आपको लेना चाहिए। इस समय जैसे हमने बताया कि मैं पीवीआर से निकल के अभी फिल्म देखकर आया हूँ, और यहाँ पर पीवीआर सिनेमा में पूरा हाइजीन की व्यवस्था की गई है, सीट छोड़ छोड़ कर बिठाया जा रहा है, पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, मास्क पहन कर जाइए, हाथ साफ रखिए, डरने की कोई बात नहीं। देखिए गाने का तो मुझे, मैं कोई बहुत योगदान मैं इसमें नहीं मानता कि गाने बहुत कहीं पर मुझे गाने आए या गए मुझे समझ में नहीं आया। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और सभी तीनों का ही काम बहुत अच्छा है, मतलब हर कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निकल के आता है। चूचा, वरुण, राजकुमार और जानवी की तीनों की आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो और तीनों ने फिल्म अपने शोल्डर पे पूरी फिल्म निकाली है, तो वाकई ये तारीफ काबिल है, बहुत ही कमाल की मनोरंजक फिल्म है। मैं इसको 5 में से कितने और 10 में से कितने मैं नहीं बताता, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहूँगा कि जब आप फिल्म देखने जाएँ तो आपको निराश नहीं करती है फिल्म, आपको बहुत मनोरंजन करेगी, आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, डराएगी। देखिए जानवी को देख के वो कैरेक्टर रचा गया है, तो जिस तरह से जानवी ने वो दोनों ही रोल प्ले किए हैं, मुझे लगता है कि आपको जानवी जो आपने देखी धड़क में, उससे कहीं आगे आपको जानवी इसमें दिखती है। और जानवी निश्चित तौर पर आने वाले समय में और बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर सामने आएगी, लेकिन इसमें भी जो उसने परफॉर्म किया है जानवी ने, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और तीनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो खासकर तीनों की केमिस्ट्री बन के आती है वो वाकई मज़ेदार है। स्टार्स मैं नहीं बता सकता, मनोरंजक है मैं निश्चित तौर पर कहूँगा। काफ़ी अच्छी है। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा काम वरुण का अच्छा लगा, पूरी मूवी में हंस रही थी, इवन इन द हॉरर सीन, मतलब मुझे डर लग रहा था पर मुझे हंसी भी आ रही थी उसके साथ, बिकॉज उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी और जानवी के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। राजकुमार राव की एक्टिंग का तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर है। काफ़ी अच्छी, कुछ डिफरेंट थी स्टोरी और पर मैंने एंड दूसरा एक्सपेक्ट किया था, बट आई थिंक इस दोनों की सारी मूवीज एक ही तरीके से एंड होती है, स्त्री और रूही सिमिलर काइंड ऑफ। दोनों में कुछ कनेक्टिविटी लगी आपको? नहीं, बट तो भी मतलब थोड़ी थोड़ी सेम जोन की ही टाइप की मूवी है, हॉरर कॉमेडी ये भी थी, हॉरर कॉमेडी वो भी है। ओके, 4 इट वाज वेरी गुड। एंड कहानी की बात की जाए तो कहानी ने कितना वर्क करेगा?
कहानी में कैसा है कि हॉरर मूवी प्लस कॉमेडी, इसको एक कॉम्प्लेक्स करके इनने एक अच्छा सा एकदम क्रिएटिव मूवी बनाया है। पिक्चराइजेशन तो बहुत ही एकदम बढ़िया है और थिएटर में मूवी देखना, एक साल के बाद देखना तो एक न्यू एक्सपीरियंस है। मतलब म्यूजिक वॉज शुरुआत की, एक गाना ही आप अगर देखोगे तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग मूवी का बहुत एंजॉयमेंट लेते हैं। मैं 4.6 या 4.7, थोड़ी एक दो पॉइंट माइनस हो सकता है बिकॉज ऑफ माय रियलाइजेशन, बाकी तो मुझे लग रहा है 5/5। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो क्या लगा आपको, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? नेगेटिव पार्ट ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि नेगेटिव पार्ट, बिकॉज एवरी एक्टिंग और जो भी म्यूजिक है इट वॉज गुड। मूवीज़ में एक सॉन्ग है वो बहुत कम था, एक ही सॉन्ग है मेरे ख्याल से, शायद एक दो और ऐड होता तो और मज़ा आता। 4.6 4.7 में देखने जाएगा तो एवरीवन वाज गुड। जाह्नवी का वो जो हॉरर एक्सेस था वो शायद मेरे को लगा बहुत ही अच्छा था, मगर लेडीज़ का रोल था इसके कारण उनको आप प्लस पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन हीरोज़ में भी डेफिनेटली हमारे जो एक कॉमेडियन है वो बहुत स्टार है। जो ज़्यादा म्यूज़िक जो कम सुनते लाउड में वो पीछे के रूम में जाके बैठे, क्योंकि शायद से उनको घबराहट ज़्यादा होगी क्योंकि म्यूज़िक बहुत हार्ड है। मुझे तो अच्छी लगी, मुझे तो पूरी पिक्चर बहुत अच्छी लगी। जाह्नवी कपूर बहुत अच्छी लगी और जो उसका मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी दिखा रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मतलब मज़ा आ गया देखने में। और हाँ, मैंने एंजॉय किया क्योंकि हल्की फुल्की फिल्म है, भूत कॉमेडी भूत था। लोगों को खींच पाएगी मूवी थिएटर तक आफ्टर लॉकडाउन? हाँ, क्योंकि एक तो पहली बात तो अभी जाके स्टार्ट हुआ है तो लोगों को एक है, और फिर जाह्नवी को देखने के लिए लोग आएंगे कि मतलब जाह्नवी की मतलब धड़क के बाद रिलीज़ हो रही है और स्त्री है, स्त्री की रीमेक है, तो लोगों को सब चीज़ का अट्रैक्शन तो होगा, तो मुझे तो लगता है कि पब्लिक जरूर थिएटर तक आएगी। मुझे सबसे अच्छा काम तो जाह्नवी का लगा, उसके बाद वरुण, और इन्होंने भी बहुत अच्छी कॉमेडी की है, ओवर एंड ऑल अच्छी पिक्चर लगी। 5/3 लोगों को सलाह क्या देंगे? जरूर देखें और थिएटर में जरूर आए, कुछ नहीं होता है करोना। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि साल भर के बाद स्कूल में वापस ज्वाइन किया है। सब कुछ और ऐसा कुछ नहीं है, लोग ट्रेनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो थिएटर में तो काफ़ी गैप वैप करके पूरे प्रिकॉशन के साथ पिक्चर, मतलब कोई टेंशन नहीं है, सब लोग आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। या इट वॉज वेरी गुड, राजकुमार वॉज वेरी गुड इन द मूवी, इवन वरुण शर्मा आई रियली लाइक, दे बोथ वर क्रेजी टुगेदर, एंड इवन द एक्ट्रेस आई फील शी शुड हैव गिवन मोर डायलॉग, वरना शी वॉज ग्रेट इन द मूवी। तीनों की केमिस्ट्री वॉज गुड, इट वॉज लाइक अ ट्राइंगल, लव ट्राइंगल विच वॉज रियली गुड। द एंड वॉज अ लिटिल आई वॉज इन सैटिस्फाइड, बट या ओवरऑल अ नाइस वॉच, वन टाइम वॉच। आई लाइक 3 बेटर। लोगों को घर पर रहिए, सेफ रहिए, मूवी के लिए आई तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। बहुत टाइम के बाद आई हूँ, एक साल तो हो गया है, एंड मैंने खाना अलाउड नहीं है, वी हैव टू ईट आउटसाइड बिकॉज एंड वील रिमूव आ मास्क इफ ईट इनसाइड, सो इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज फन, हैड अ ग्रेट टाइम एंड परफेक्ट मूवी टू वॉच। आई थिंक इट्स 3 स्टार। या यस, इट वॉज एन एंटरटेनिंग फिल्म और तीनों का काम अच्छा है, इट वॉज अ डिफरेंटली रिटन स्क्रिप्ट सो उसमें मज़ा आया, एंड ऑल द एक्टर्स हैव डन वेल, राजकुमार राव, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड, इवन जाह्नवी कपूर, दो शी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ डायलॉग्स टू गिव, बट ओवरऑल आई थिंक शी इज इम्प्रूव देन वॉट शी वॉज अर्लियर, सो अ गुड फिल्म टू वॉच, फनी इन अ लॉट ऑफ पार्ट्स, दे हैव ओवर ड्रामेटाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाउ बॉलीवुड हैज इट, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट ऑल्सो, सो लॉट ऑफ व्यूअर्स माइट लाइक इट, एंड या अ गुड फिल्म ओवरऑल। Out of 5, I would give it 3 and a half. Yeah.
म्यूजिक वॉज गुड एंड देयर वर अ फ्यू पार्ट्स व्हिच एक्चुअली मेड द म्यूजिक व्हिच एडेड टू द कॉमिक पार्ट ऑफ द फिल्म. तो वो कहीं कहीं जगहों पे वरुण जब एक्ट कर रहे थे तो उधर उन्होंने बहुत ही पुराने टाइप के म्यूजिक यूज कर दिए व्हिच वॉज रियली गुड एंड इट वॉज एप्ट सो दैट मेड द होल सीन फनी सो दैट वॉज अ गुड पार्ट. डायरेक्शन वेरी गुड. हार्दिक हैज आई थिंक उनका लास्ट फिल्म कामयाब भी थी वो मैंने नेटफ्लिक्स से देखी थी सो इज डन अ वेरी गुड जॉब विथ हिज डायरेक्शन फॉर श्योर एंड या अ गुड फिल्म. एंड वेल लॉकडाउन के बाद ये मेरी तीसरी फिल्म थी लेकिन जैसे पी वी आर में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग तो रहता ही है एंड देयर वाज अ वेरी गुड एवरीथिंग वाज मैनेज्ड रियली वेल. जैसे आए सब लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे एंड एवरीवन वाज पुटिंग द मास्क ऑन एंड ओनली फॉर दिस इंटरव्यू आई केप्ट इट डाउन बट या इट वाज अ गुड सोशली डिस्टेंस्ड इवेंट एंड आई लाइक्ड हाउ इट वाज मैनेज्ड. सॉरी Which part do I like the most? The one before the interval when they realize that it is a love triangle between the three of them. And it is quite funny and hilarious as a concept. So yeah, that was the best part. Thank you very much.